हेलो एवरीवन, आज हम रनर्स नी और आईटी बैंड सिंड्रोम या आईटी बैंड के दर्द के बारे में बात करेंगे। मेडिकल टर्म में रनर्स नी को आईटी बैंड सिंड्रोम या आईटीबीएस भी कहते हैं। आईटी बैंड क्या होता है? ये बैंड फेशिया का बना होता है, क्योंकि इसमें मांसपेशियां कम होती है और ये फेशिया, इसलिए ये फेशिया का बना हुआ होता है ये बैंड, इलियोटिबियल बैंड, जो हमारे कूल्हे और हमारे घुटने को स्टेबिलिटी कर देता है जब हम रनिंग करते हैं। तो इलियोटिबियल बैंड क्या होता है? इलियोटिबियल बैंड एक फेशिया है जो कि अपने हिप बोन यानी कूल्हे की हड्डी से लेके, यानी कि हिप की जो मसल्स हैं, अबडक्टर्स, फ्लेक्सर्स, एक्सटेंसर्स, इन सब मांसपेशियों से लेके ये फेशिया चालू होता है अपने इलियक क्रेस्ट से लेके, यानी कि पेल्विस बोन के यहाँ से, और फिर ये जांघों की हड्डी थाई बोन से बाहर की बाजू से निकलते हुए ये जाके हमारे घुटने को, नी को क्रॉस करता है और हमारे लेग बोन में, यानी कि टीबिया की जो हड्डी है वहाँ पे गर्डीज ट्यूबरकल करके एक हड्डी का पॉइंट है, वहाँ जाके इंसर्शन करता है। इलियोटिबियल बैंड ये हमारी जो हिप की मसल्स है, ग्लूटियल मसल्स, उसको कनेक्ट करता है टेंसर फेशिया लाटा नाम की मांसपेशी से। ये स्टेबिलिटी देता है, जब भी हम खड़े होते हैं तो हमारा पैर एक सीधा अलाइनमेंट में रहे, एक सीध में रहे, उसके लिए इलियोटिबियल बैंड बहुत ज्यादा काम करता है। ये फेशिया बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अपने हिप और नी दोनों को क्रॉस करके जाता है और इसलिए ये दोनों के फंक्शंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसका दर्द सबसे ज़्यादा साइक्लिस्ट या रनर्स है, जो भी एथलीट्स है, रनर्स है, उनमें सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। तो जब रनर्स बार बार अपना हील को, अपनी एड़ी को ग्राउंड पर टच करते हैं तो उस ओवर यूज की वजह से इंजरी होती है घुटने के बाहर के हिस्से में, यानी इलियोटिबियल बैंड के अंदर। इसलिए इस बीमारी को रनर्स नी और इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम कहा है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, यह हमारा हिप मसल्स को क्रॉस करते हुए, हमारे घुटने के साइड से होते हुए क्रॉस करते हुए टीबिया के वहां इंसर्ट करता है। सबसे ज्यादा दर्द घुटने के बाहर के हिस्से में, यानी लेटरल एस्पेक्ट में नजर आता है इसका दर्द। अब आईटीबीएस किन कारणों की वजह से होता है? अगर हम एक ही मूवमेंट घुटने का बार बार करते हैं, जैसे हम घंटों दौड़ते हैं या घंटों चलते हैं या बाइक चलाते हैं, तो हमारा घुटना एक ही पोस्चर में रहता है या फिर एक ही मूवमेंट हम बार बार करते हैं, इस ओवर यूज इंजरी की वजह से आईटीबीएस होता है। उसके साथ साथ अगर हम ऐसी सरफेस पे चलते हैं जो उबड़ खाबड़ है या बहुत हार्ड सरफेस है, उससे भी ये दिक्कत आती है। या फिर अगर हम जो कोई एथलीट है वो अच्छे से रनिंग करने से पहले या कोई भी गेम खेलने से पहले अच्छे से वार्म अप नहीं कर रहा, अच्छे से एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग नहीं कर रहा, तो इस वजह से भी दिक्कत आती है उनमें। फिर अगर आप कोई स्पोर्ट्स में और आपका शूज सही नहीं है, शूज का सोल सही नहीं है, तो उस वजह से भी दिक्कत आती है। या आप ऐसे सरफेस पे चल रहे हो जहाँ आपको नीचे की तरफ चलना है, डाउन हिल चलना है या डाउन हिल रनिंग करनी, उस पर भी सबसे ज्यादा घुटने के बाहर के हिस्से में दिक्कत आती है। फिर अगर आपका पहले से ही फ्लैट फिट है या फिर बहुत ज्यादा नीचे की तरफ आपका पंजा झुका हुआ है या ऊपर की तरफ पंजा झुका है, पंजे का जो फुट का जो आपका आर्च है वो सही नहीं बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर सही नहीं, तो इस वजह से भी घुटने पे प्रेशर पड़ता है, घुटने के बाहर के हिस्से में दर्द होता है, जिस वजह से आईटीबीएस होता है। या फिर आपकी जो हिप की मांसपेशी है, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मैक्सिमस, ये मांसपेशियों की पहले से ही कमजोरी है, वीकनेस है, तो इस वजह से भी दिक्कत आती है। अब रनर्स नी और आईटी बैंड सिंड्रोम में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? क्योंकि ये हमारे हिप को और घुटने को दोनों को क्रॉस करते हुए जाता है, तो ये दोनों में दिक्कत देता है, हमारे हिप में भी और हमारे नी जॉइंट में भी। घुटने में ये बाहर की तरफ आता है, इसलिए बाहर की तरफ घुटने में सबसे ज्यादा दर्द होता है। उसके साथ साथ उस जगह पर टाइटनेस आ जाती है,
कभी कभी बहुत ज्यादा गर्म लगता है, कभी बहुत ज्यादा ठंडा लगता है। जब चेयर से या बेड से उठते हैं, खड़े होते हैं, बैठ के खड़े होते हैं, खड़े होके बैठते हैं, तो बहुत ज्यादा दर्द होता है महसूस। कभी कभी एक अजीब सी कट कट की आवाज आती है घुटने में, उसके साथ साथ सूजन, गर्म महसूस होना, और अगर कोई भी मूवमेंट करते तो वो मूवमेंट पूरा नहीं हो पाता, दर्द होता है कुछ भी घुटने का मूवमेंट करने से, चलने से, उठने बैठने में दर्द होना, ये सब लक्षण देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ कभी पेन बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो कभी कम हो जाता है, कभी घुटने तक ही रहता है दर्द, तो कभी पूरा हमारे लेग बोन से लेके हमारे पाँव की उंगलियों तक आने लगता है दर्द। उसके साथ साथ कभी कभी झंझनाहट, सूनापन, सूजन आने लगती है, या लंबे समय तक पेशेंट बैठा है, लंबे समय तक खड़े, तब भी इसका जोर पड़ता है और ये इसका दर्द शुरू हो जाता है। अब आईटी बेंड सिंड्रोम का पता कैसे करते हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन से पता कर सकते हैं। आपके डॉक्टर आपका एग्जामिनेशन लेते हैं घुटने का, मूवमेंट चेक करते हैं, रेंज ऑफ मोशन कितना है घुटने का, उसके साथ साथ आपके लक्षण चेक करते हैं कि क्या क्या लक्षण देखने को मिल रहे हैं। फिर उसके बाद आपके घुटने को दबा के देखते हैं कि कौन से हिस्से में सबसे ज़्यादा दर्द है, स्ट्रेंथनिंग चेक करते हैं, मसल्स का मूवमेंट चेक करते हैं, उसके साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी और हिप, फुट, एंकल, इन सब का एग्जामिनेशन करते हैं। उसके साथ साथ मसल स्ट्रेंथनिंग चेक करते हैं, आपका चलने का तरीका, आपका फुट का अलाइनमेंट, आपका बॉडी का अलाइनमेंट, पैर कैसा है आपका, उस पोजीशन को सबको चेक करते हैं। फिर उसके साथ साथ स्पेशल टेस्ट होता है जिसे हमने ओवेयर्स टेस्ट कहते हैं। ओवेयर्स टेस्ट में सबसे ज़्यादा चेक करते हैं, एक तो टेंसर फेशियल आता है उसकी टाइटनेस के लिए, और आईटी बैंड की कोई दिक्कत हो गई है, आईटी बैंड में दिक्कत हो गई तो उसके चेक करने के लिए ओवेयर्स टेस्ट करते हैं। अब ये कैसे चेक करते हैं? सबसे पहले पेशेंट को करवट की तरफ लेटा देते हैं, एक तरफ लेटा देते हैं साइड लाइन में, अगर पेशेंट को राइट में दिक्कत है तो लेफ्ट की तरफ लेटा देते हैं, पेशेंट का लेफ्ट वाला पैर मोड़ लेते हैं, पूरा घुटना और हिप फ्लेक्शन में आ जाता है, मोड़ देते हैं, और राइट वाला जो पैर है जो जिसमें दिक्कत है उसको स्ट्रेट रखते हैं। फिर मूवमेंट कैसे करते हैं? आपके डॉक्टर, आपके एग्जामिनर, आपका एक उनका एक हाथ आपके इलिक क्रेस्ट पे रहता है और आपका एक हाथ घुटने को मोड़ लेते हैं वो, और घुटने के वहाँ रखते हैं। फिर आपके पैरों को बाहर की तरफ लेके आके फिर हिप का एक्सटेंशन करते हैं, हिप को पीछे की तरफ लेके आते हैं, उस पोजीशन में होल्ड करके रखते हैं थोड़ी देर तक, यानी सपोर्ट देते हैं। फिर इस टेस्ट को पॉजिटिव तब कहते हैं जब अगर एग्जामिनर वहाँ से वो सपोर्ट हटा दे और पेशेंट का जो पैर है वो बाहर की तरफ ही रहता है, अंदर की तरफ नहीं जाता है, बाहर जैसा था वैसा ही रहता है, तो पॉजिटिव होता है कि दिक्कत है आपके घुटने के साइड के उसमें, और पेशेंट को बहुत ज़्यादा तेज दर्द होता है घुटने के बाहर के हिस्से में, तो उससे पता करते हैं कि टेस्ट पॉजिटिव है। अगर पेशेंट का जैसे ही सपोर्ट हटा देते हैं एग्जामिनर आपके इलेक्ट क्रेस्ट और आपके घुटने के वहाँ से, तो आपका पैर अपने आप नीचे चले जाएगा तो वो नेगेटिव होता है, बट अगर वहीं का वहीं रह जाता है, अबडक्शन में ही रह जाता है, तो वो पॉजिटिव टेस्ट होता है। उसके साथ साथ अब ये कितने रिस्क है, सबसे ज़्यादा किसमें देखने को मिलता है, तो ये जो है आईटी बैंड सिंड्रोम, ये जो है दिक्कत, ये सबसे ज़्यादा साइक्लिस्ट रनर्स में देखने को मिलता है, उन एथलीट्स में जो रनिंग सबसे ज़्यादा करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। फिर हम बात करें तो अगर आप कोई एथलीट्स हैं तो उनमें अगर शूज़ जो है उनका प्रॉपर फिटिंग नहीं है शूज़ का, या शू सही नहीं है, या फिर अगर साइकिलिंग कर रहे हैं तो साइकिल की हाइट सही नहीं है, ये पैर पूरा प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा, जिस वजह से भी इनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है दिक्कत, या फिर आप बहुत ऊँचाई पर चल रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा तेज़ अपनी साइकिल चला रहे हैं, या बहुत ज़्यादा तेज़ रनिंग कर रहे हैं, उस वजह से भी दिक्कत देखने को मिलती है। उसके साथ साथ अगर पेशेंट को ACL इंजरी हुई है एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट की, तो उसके बाद इस बैंड का आईटी बैंड की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। अगर पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें भी दिक्कत आती है। जब पेशेंट को पैदा होते ही बच्चे को आईटी बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट है, थिक है, मोटा है, या दिक्कत है बचपन से ही, उस वजह से भी दिक्कत आती है, उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर अगर आपकी जो हिप की और जो थाइस की मांसपेशियाँ है उनमें वीकनेस है, वो अच्छी नहीं है, मजबूत नहीं है, तो इस वजह से ये
रनर्स नी या आईटी बैंड सिंड्रोम की, इनमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, या फिर घुटने अंदर की तरफ आ रखे हैं, या घुटने का जो पोस्चर है या घुटने की कोई डिफॉर्मिटी हो रखी है, उसमें सबसे ज्यादा ये देखने को मिलता है। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं? सबसे पहले मेन मुख्य एम होता है कि आपका जो दर्द है वो कम हो, सूजन कम हो, इन्फ्लामेशन जो हो गया है उस एरिया पे कम हो, उसके बाद स्ट्रेंथनिंग कराते हैं। तो सबसे ज्यादा सबसे पहले आपका सबसे मेन काम होता है कि आपका दर्द कम करे, सूजन कम करे, वहाँ का जो टाइटनेस हो गई है वो कम करे। उसके बाद डॉक्टर आपको उसके लिए रेस्ट देते हैं, आपको घुटने को बिल्कुल और पैरों को बिल्कुल रेस्ट में रखना है, मूवमेंट नहीं करना है, जो आप स्विमिंग या कुछ भी साइकिलिंग करेंगे वो थोड़े दिनों तक आपको नहीं करनी है बिल्कुल भी। फिर उसके साथ आइसिंग करनी है आपको घुटने के बाहर के हिस्से में, जिस हिस्से में आपको सूजन है, दर्द है बाहर के हिस्से में, वहाँ दिन में 20-25 मिनट दिन में 3-4 बार आइसिंग करनी है आपको बर्फ की सिकाई। फिर आपको पेन रिलीवर्स लेने हैं, मोटरिन, एडविल, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सन। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है आईटी बैंड की, थाइस, हिप्स की, बटक्स की, मसल्स की, और वो एक्टिविटी बार बार नहीं करनी जिससे दिक्कत आ रही है, जिससे दर्द हो रहा है। फिर इसके बाद जैसे जैसे दर्द कम होता है तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है। उसके साथ साथ आपको जब भी आप चल रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, तो अब आपको नी ब्रेस होते हैं घुटने के ब्रेस, वो पहनने हैं ताकि जो घुटना है वो सपोर्ट में रहे, स्टेबल रहे। बहुत ज्यादा दिक्कत है तो डॉक्टर आपको कॉर्टिसोन के इंजेक्शन देते हैं ताकि जो दर्द है, सूजन है वो कम हो। फिर एक बहुत ज्यादा सीवियर पेन है पेशेंट को, बिल्कुल रहा नहीं जा रहा, बिल्कुल खड़ा भी नहीं हो जा रहा, ना ही बैठा जा रहा है, तब सर्जरी करते हैं लास्ट पॉइंट पे। अब फिजिकल थेरेपी की हम बात करते हैं तो फिजिकल थेरेपी में आपका दर्द और आपका सूजन वो कम करने के साथ साथ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती है ताकि आप अच्छे से आपका मूवमेंट हो सके, आपका रेंज ऑफ मोशन प्रॉपर हो सके, आप चल फिर सको। उसके लिए एक्सरसाइज है हिप ब्रिज विथ रेजिस्टेंस बैंड, इसमें आपको दोनों घुटने मोड़ लेने हैं और सीधा लेट जाना है दोनों घुटने मोड़ के। उसके बाद दोनों घुटने के थाइस के चारों ओर एक रेजिस्टेंस बैंड होता है वो बांध लेना है। फिर आपको अपने दोनों पैरों को खोलना है घुटने से और अपनी कमर को उठाना है, आपको 5-10 सेकंड तक रोकना है, फिर वापस नॉर्मल आना, रिलैक्स करना है, ऐसे 10 बार करना दिन में 2-3 बार। फिर है साइड लाइंग हिप अबडक्शन, इसमें आप एक करवट की तरफ लेट जाएंगे, अपना नीचे वाला पैर मोड़ लेंगे और जो ऊपर वाला पैर है उसको सीधा रखना है और उसको बाहर की तरफ लेके आना है, होल्ड करना है 5-10 सेकंड तक, फिर रिलैक्स, ऐसे 10 बार करना है, इसको भी दिन में 2-3 बार। फिर क्लैम्पशेल एक्सरसाइज करनी है आपको, ऐसे ही आप करवट की तरफ लेट जाएंगे और अपने थाइस पे रेजिस्टेंस बैंड बांध लेंगे, अपने दोनों घुटने को मोड़ लेंगे अच्छे से 90 डिग्री पे, उसके बाद आपको दोनों घुटने को खोलना है, ये क्लैम्पशेल बनाना है, फिर वापस पास में लाना है, फिर वापस दूर लेके आना, ये एक्सरसाइज करनी है। फिर आपको लेटरल बैंड वॉक करनी है, ऐसे ही वापस आप रेजिस्टेंस बैंड बांध लेंगे अपने थाइस पे घुटने से ऊपर दोनों घुटने में, फिर आप अपने एक घुटने को मोड़ लेंगे और एक घुटने को और एक पैर को सीधा करके बाहर की तरफ लेके जाएंगे, ऐसे दोनों घुटने का करना है आपको। फिर साइड प्लैंक, ये एक्सरसाइज आपको एक तरफ करवट लेके लेट जाएंगे आप, फिर आप अपने हिप को ऊपर लेके आएंगे, अपने दोनों पैरों को, पंजों को, दोनों को साथ में रखना है, फिर आपको ऐसे स्ट्रेट रखना है, मतलब आप एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा आपका हेड से लेके आपका फिट, यहाँ तक होल्ड करना है, फिर वापस रिलैक्स। फिर आपको पिस्तौल स्क्वाट करनी है, स्टार्टिंग में तो आपको स्क्वाट की प्रैक्टिस करनी है, फिर जैसे जैसे स्ट्रेंथनिंग हो रही है तो आपको पिस्तौल स्क्वाट पे आना है, सिंपल स्क्वाट से पिस्तौल स्क्वाट पे। इसमें आप ऐसे एक घुटना, दोनों पैर आप सीधा खड़े हो जाएंगे, फिर एक घुटना ऐसे मोड़ लेंगे और एक पैर को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, दोनों हाथों को सीधा रखेंगे, फिर ऐसे 10 बार करना है। फिर हिप हाइक, इसमें एक पैर आपका सीधा, एक पैर आपका ऊपर रहेगा, एक पैर नीचे रहेगा, फिर आपको एक पैर को, जैसे पैर नीचे उसको ऊपर लेके आना, हाइक करना आपको हिप को, ऐसे अल्टरनेट करना है दर्द दोनों तरफ। फिर है स्टैंडिंग आईटी बैंड की स्ट्रेचिंग, आईटी बैंड की स्ट्रेचिंग ऐसे करनी, आप सीधा खड़े हो जाएंगे, फिर आप अपने दोनों पैरों को क्रॉस में रख लेंगे। ये ध्यान रखना है कि अगर आपका जो पैर, जैसे लेफ्ट वाला पैर आपके उसमें दिक्कत है, अफेक्टेड लेग है, वो हमेशा पीछे रहेगा, यानी अगर लेफ्ट वाला लेग अफेक्टेड है तो वो पीछे रहेगा और जो सही पैर है वो आगे की तरफ रहेगा।
फिर आपको अपनी बॉडी को एक तरफ झुकाना है। ये ध्यान रखना है कि अगर आपको लेफ्ट में दिक्कत है तो आपको बॉडी लेफ्ट में नहीं झुकानी है, हमेशा उसके अपोजिट झुकानी है। तो इस स्ट्रेचिंग में आपको क्रॉस लेग रखना है, जो पैर सही है वो आगे रहेगा, जो पैर जिसमें दिक्कत है वो पीछे रहेगा, और अगर लेफ्ट की दिक्कत है तो लेफ्ट की तरफ नहीं झुकना, आपको राइट की तरफ अपनी बैक को बेंड करना है, फिर होल्ड करना है, आपको इलियोटिबल बैंड पे स्ट्रेचिंग फील होगी, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स ऐसे 10 बार करना है। अब होम केयर की हम बात करते हैं, तो आपको अपना वेट नहीं बढ़ाना है, अपने वेट को मेंटेन करके रखना। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उसको नॉर्मल रखें, आप डाइट फॉलो करें, एक्सरसाइज डेली करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करें, ताकि आपका दर्द है जो कम हो, उसके साथ साथ आपके घुटने की फ्लेक्सिबिलिटी वापस हो, रेंज ऑफ मोशन नॉर्मल हो। फिर आपको गेट ट्रेनिंग है वो नॉर्मल आपको सीखनी है, वो आप प्रॉपर वॉकिंग वो आपको करनी है। उसके साथ साथ आपको अपने शूज सही रखने हैं, प्रॉपर शूज रखने हैं, उसके साथ साथ फिटिंग अच्छी हो शूज की वो प्रॉपर रखने हैं। रनिंग फोम आता है वो आपको यूज करना है, और उबड़ खाबड़ या ऐसे सरफेस पे नहीं चलना आपको। उसके साथ साथ आपको स्ट्रेचिंग टाइम टू टाइम करनी हो, अगर आप कुछ गेम में तो उससे पहले आपको वार्म अप कूल डाउन एक्सरसाइज ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज अच्छे से करनी हो। फिर उसके साथ साथ आपको सीधे ही सरफेस पे चलना, उबड़ कवर पे नहीं चलना है, एक्सरसाइज डेली करनी है आपको। और आईटी बैंड को एक फोम रोल होता है उससे आपको लूज करना है थोड़ा धीरे धीरे। फिर अगर आपके शूज सही नहीं है तो उसको रिप्लेस करना है। हेल्दी डाइट लेनी है आपको, एक्टिव रहना है। थैंक यू।